ध्यान देने योग्य जरूरी बातें पुरुष और महिला ध्यान से सुने, समझें और इसे अमल भी करें। खाना बनाना हम सब महिलाओं की कला है, पर कभी कभी हम सबसे भी गलतियां हो जाती है, लेकिन यदि हम सब थोड़ा ध्यान रखें तो बेहतर खाना बना सकते हैं कम समय में। आज मैं 9 टिप्स लाई हूँ, ध्यान से सुने और समझें। खाना बनाना एक कला है जिसमें मसालों का कुछ तकनीकी चीज़ों को ध्यान में रखें तो आप किचन मैजिक कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह कला आसान हो सकती है, लेकिन कुछ के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुकिंग अपने आप में एक स्किल सेट है जो हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन हर कोई इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता है। एक कारण यह है कि हम अपने घरों में जो खाना बनाते हैं उसका स्वाद रेस्टोरेंट से इतना अलग होता है। अब हम जानते हैं कि हम सभी मास्टर शेफ तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी तरीके हैं जिन्हें हम अपने दैनिक खाना पकाने में शामिल कर सकते हैं जो भोजन के स्वाद और गुणवत्ता दोनों में सुधार करेंगे। कभी कभी हम यह सोचकर खाना पकाने के उस स्टेप्स को छोड़ देते हैं कि हम इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो भोजन के लिए स्वाद को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए हमें खाना पकाना होने वाली सभी ही सामान्य गलतियों की लिस्ट तैयार की है जो हम अपने किचन में कई बार करते हैं, लेकिन हम उस पर गौर करें तो परिणाम बेहतर हो सकता है। तो नंबर एक है, पैन या कढ़ाई को सही से गर्म करें। यदि पैन या कढ़ाई को चढ़ा रहे हैं सब्जी बनाने के लिए तो उसे पहले अच्छी तरह से गर्म करें। जो लोग अपने पैन या कढ़ाई को पहले से गर्म नहीं करते वे अक्सर उनकी चीज़ें चिपक जाते हैं या कुकिंग करने में मुश्किल होती है। किसी भी तेल या सामग्री को जोड़ने से पहले कम से कम 5 मिनट के लिए अपने पैन या कढ़ाई को लें और मीडियम हीट पर गर्म करना जरूर चाहिए। यह खाना पकाने को आसान बनाने में मदद करेगा और कुछ भी चिपकने से रोकेगा। नंबर दो है, तेल के गर्म होने का इंतज़ार नहीं करना। हम लोग जल्दबाजी में यही करते हैं, तेल गर्म होने का इंतज़ार नहीं करते हैं, जो सबसे गलत बात है। जो लोग तेल गर्म होने का इंतज़ार नहीं करते हैं अक्सर उनका खाना तवे या बर्तन में चिपक जाता है। कढ़ाई में तेल डालें और इसे गर्म होने के लिए कुछ मिनट दें। आप अपने तेल में खाने का एक छोटा टुकड़ा डालकर उसके तापमान का परीक्षण कर लें। अगर यह तुरंत सिकने लगे तो समझिए कि यह तैयार है। नंबर तीन, सभी चीज़ों को एक साथ ना डालें। यह खास तौर पर गलत हो जाता है जब लोग खाना पकाने के दौरान पैन को एक साथ भर देते हैं। इससे खाना बाहर से तो जल जाता है और अंदर से कच्चा हो जाता है। इसीलिए अच्छे परिणाम के लिए हम आइटम के बीच पर्याप्त जगह दें और बीच बीच में पकाएं। कुकिंग प्रोसेस को दौरान जल्दी लहसुन डालना, मिंस या कटा हुआ लहसुन तुरंत डालना आम बात है। यह कई उदाहरणों में काम कर सकता है, लेकिन अगर आप सब्जियों को बहुत ज़्यादा समय तक भून रहे हैं तो यह अक्सर जली हुई या कड़वी हो जाएगी। लहसुन को अन्य सामग्री के साथ मिलाएं और कम समय के लिए पकाएं ताकि आप जलाए बिना उनके स्वाद का मजा ले सकें। नंबर पाँच, तेज़ आंच पर खाना बनाना। जब लोग तेज़ आंच पर पकाते हैं तो अक्सर उन्हें जले हुए भोजन या बहुत नरम सब्जियां मिलती है। सी फूड या सब्जियों जैसे नाजुक खाद्य पदार्थों को पकाते समय आंच को खास तौर पर से कम करना सुनिश्चित करें ताकि वे ज़्यादा ना पके या जले। इससे उन्हें खास्ता और स्वादिष्ट बनाए रखें। मैं
स्वादिष्ट बनाए रखने में ये मदद करेगी। नंबर 6, भोजन को पर्याप्त रूप से हिलाना या पलटना नहीं चाहिए। जो लोग अपने भोजन को पर्याप्त रूप से हिलाते या पलटते नहीं हैं, अक्सर उनके पैन या कढ़ाई के तले में चीज़ें चिपक जाती है। हर कुछ मिनटों में सब चीज़ों अच्छी से तरह से हिलाना सुनिश्चित करें या सभी चीज़ों को समान रूप से पकने दें और कुछ भी चिपकने से रोकने में मदद करेगा। अगर आप चाहें तो अपनी विशेष डिशेज को बेसिक प्रक्रिया के रूप में भी घुमा सकते हैं। नंबर 7, नमक इस्तेमाल सही से करें। अगर आप अपने खानों में बहुत ज़्यादा नमक मिलाते हैं तो यह जल्दी से अन्य सभी फ्लेवर्स पर हावी हो सकता है। अपने नमक डालते वक्त थोड़ी समझदारी के साथ इसका इस उपयोग करें। अगर किसी डिश में नमक कम होगा तो आपके पास थोड़ा और डालने का विकल्प होता है, लेकिन एक बार ज़्यादा हो जाने के बाद इस नमक जोड़ दिए जाने के बाद कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और नंबर 8, गर्म तेल में ठंडी चीज़ें ना डालें। बहुत से लोग अपने घर में पनीर और फ्रोजन फूड आइटम को फ्रिज में रखते हैं और इन्हें फ्राई करते वक्त फ्रिज से सीधा निकालकर कभी कभी गर्म तेल में फ्राई कभी भी गर्म तेल में फ्राई ना करें। इन्हें पहले रूम टेम्परेचर पर आने दें, इसके बाद ही इन्हें फ्राई करें। ओवर कुकिंग करना। जब लोग सब्जियों को ज़रूरत से ज़्यादा पकाते हैं तो वे नरम और कोमल होने के बजाय बेजान हो जाती है। इससे उनके स्वाद पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही वह आकर्षक भी नहीं रहती है। सही रिजल्ट के लिए अपनी सब्जियों को तब तक पकाना सुनिश्चित करें जब तक कि वे नरम न हो जाए और उनका अच्छा रंग भी बरकरार रहे। बस आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। एक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।